नमस्कार। 2019 के लिए रेमन मैक्सेसे अवार्ड की जब घोषणा हुई थी तो उसमें रविश कुमार सहित कुल चार लोगों को रेमन मैक्सेसे अवार्ड दिया गया है। रविश कुमार के अलावा म्यांमार के सी विन, थाईलैंड की अंगखाना नीलपाइजित और फिलीपींस के रमेंड और साउथ कोरिया के किम जोंग को रेमन मैक्सेसे अवार्ड दिया गया है। एनडीटीवी के एंकर रविश कुमार को अवार्ड देने के बाद रेमन मैक्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने उनके टीवी शो प्राइम टाइम का जिक्र किया था। अब इस दौरान अवार्ड फाउंडेशन ने कहा कि रविश कुमार का जो न्यूज शो है प्राइम टाइम आम लोगों की वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्याओं से जुड़ा हुआ शो है। फाउंडेशन ने रविश कुमार के बारे में आगे ये कहा कि यदि आप लोगों की आवाज बन जाते हैं तो आप एक पत्रकार हैं। मैं आपको बता दूं कि साल 2007 में पत्रकार पी साईनाथ को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पी साई को पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए भी अवार्ड दिया गया था। यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में रेमन मैक्सेसे अवार्ड आज से करीब 12 साल पहले दिया गया था। यहां पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि रेमन मैक्सेसे अवार्ड एशिया की उन टॉप इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है और उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया हो या फिर कोई क्रांतिकारी काम किया हो। तो ये अवार्ड फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रेमन मैक्सेसे की याद में दिया जाता है। अगर आप रविश कुमार के फैन हैं तो भैया लाइक दबा दीजिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की तरफ। अब आप सभी को याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगले 5 साल में भारत की जो इकोनॉमी है उसको $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात कही थी। लेकिन ऐसे में विश्व बैंक का ये जो डाटा उन्होंने यार रिलीज किया है या यूं कहूं जो पब्लिश किया है वो भारत को थोड़ा सा मुश्किल में डाल देता है। अब भारत के सिर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का जो ताज था वो छिन गया है। इकोनॉमी की दृष्टि से भारत 7वें पायदान पर पहुंच गया है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के साल 2018 में एकदम स्लो ग्रोथ यानी कि सुस्त रहने की वजह से भारत को अब एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 2018 में भारत 5वें नंबर पर था, अब फिर से वो 7वें नंबर पर आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि साल 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस की अर्थव्यवस्था में भारत के मुकाबले ज्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड दर्ज की गई है, जिसकी वजह से रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ब्रिटेन 5वें नंबर पर आ गया और वहीं 6ठे पोजिशन पर आ जाता है आपका फ्रांस, जिसकी वजह से भारत 7वें स्थान पर आ जाता है। इस लिस्ट में अमेरिका टॉप पर बरकरार है। अब अगर इन्हीं डाटा को कितने ट्रिलियन डॉलर है इससे समझें तो विश्व बैंक के आंकड़ों का भी फिर से सहारा लेना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2018 में ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है बढ़कर के 2.82 ट्रिलियन डॉलर हो गई, फ्रांस की जो इकोनॉमी है 2.78 ट्रिलियन डॉलर हो गई है और वहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है साल में महज 2.73 ट्रिलियन डॉलर तक ही पहुंच पाए। जब बात इकोनॉमी की हो चुकी है तो आंकड़ों की हो चुकी है तो उन आंकड़ों की बात कर ली जाए जो मैंने अपने अलग अलग वीडियोस में मैंने आपको बताए हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं। जैसे कि देश के जीडीपी के कैलकुलेशन के करने के तरीके को बदल करके एक हाइक दिखाने की कोशिश की गई थी, ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है और बाकी अमीर आदमी रो रहा है, ये नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। लेकिन असलियत तो ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रही थी जिसको मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा था। वहीं अगर हम देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी स्लो ग्रोथ थी। अब इसी साल के जुलाई में मारुति कंपनी की बिक्री 33.5% घट गई है और वहीं कोर सेक्टर जैसे कि आपका कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गए, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया और आपकी इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज होगी, इन सभी को कोर इंडस्ट्री कहा जाता है। अब इन सभी में ग्रोथ की बात करें तो इसमें बहुत ही मामूली सी ग्रोथ हुई है। वहीं बात मैं करूँ जून महीने में कोर सेक्टर का जो ग्रोथ है 4 साल में सबसे कम रहा, 0.2%। अब मई में इस सेक्टर का ग्रोथ 4.3% था यानी कि ग्रोथ सिर्फ हुई 0.2% की, 50 महीने ये सबसे अधिक गिरावट है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते, कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम के चलते और साथ ही लोगों की कम होती परचेजिंग पावर के चलते भारत से इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया है यानी कि इंडिया से पैसे निकालना शुरू कर दिए हैं। अब विदेशी निवेशकों ने जुलाई के महीने में ही भारतीय शेयर बाजार से 12,000 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। अब पिछले 9 महीने में ये सबसे अधिक है। वहीं अक्टूबर 2018 में 28,921 करोड़ रुपए निकाले गए थे।
अभी जब सरकार ने अपना बजट पेश किया था तो उसके बाद शेयर मार्केट ने उस पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्स ना देते हुए नेगेटिव रिएक्ट किया था, और 17 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जुलाई के महीने में सेंसेक्स में 5.68% की गिरावट आई है। सेंसेक्स में 500 कंपनियां लिस्टेड हैं, 50% कंपनियों के शेयर डबल डिजिट तक में गिरे हैं। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा है BSNL वाला, तो उसमें मैंने आपको सब समझाया था कि BSNL में 1.76 लाख और BSNL अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहा है। ऐसी बहुत सारी खबरें थी जो मिस्टर इंडिया कर दी गई, और आज का मीडिया ऐसे काम कर रहा है जैसे कि मानो सरकार को कोई तकलीफ ना हो। बाकी जनता तो जानती नहीं, और जान करके भी करेगी क्या, और जो बची कुची जनता है वो जानती है तो उसने कर भी क्या लिया। जब बेरोजगार बैठे लोगों ने मोदी जी को मौका दोबारा से दे ही दिया है तो इस बात पर मीडिया की तारीफ तो बनती है बॉस। चलते चलते मैं एक सवाल करता हूं, 2014 में हिंदू खतरे में थे ऐसा एहसास दिलाया गया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन 6 सालों में कितने प्रतिशत हिंदू सुरक्षित हुए हैं, कमेंट डाउन कीजिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मैंने एक पोल को रन किया था, उस पोल में मैंने आपसे कहा था कि लाइव स्ट्रीम करते वक्त कनेक्टिविटी इशू के कारण मैं आपके सवाल नहीं ले पाता था और ज्यादा देर तक मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आपके सवालों के जवाब दिए जाए, लेकिन किस दिन, तो कई सारे जो वोट्स आए हैं वो 50% से अबव आए हैं संडे के लिए कि आप संडे को उसका रिप्लाई कीजिए। अब वो रिप्लाई मैं ऐसे करूंगा कि आप अपने सवाल पूछेंगे मेरे से, उन सवालों को लिस्टेड करूंगा, शॉर्ट लिस्ट करूंगा, और अपने संडे में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें उसके जवाब दे दिया करूंगा। संडे को बताऊंगा कि आपको सवाल कहां और कैसे कैसे करने हैं। फिलहाल आप इस वीडियो के नीचे #संडे लगा करके जो चाहें वो सवाल पूछिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप चाहें तो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टा मोजो और पेट्रियन पे जाएंगे तो हम और आप मिलकर के और बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते हैं। वहाँ मेंबरशिप आप ले सकते हैं $3 की, वहाँ मिनिमम मेंबरशिप है। इंस्टा मोजो पे आप भी मुझे पे कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।